वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सो आज मैं आई हूँ काफ़ी दिन बाद अपने फूड ब्लॉग के साथ। सो आज कहाँ आई हूँ और क्या खाऊंगी वो सब आप लोगों को बताऊंगी इस ब्लॉग में, तो मिस नहीं करना, लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलो फिर चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। जी तो मैं आई हूँ 52 थाली रेस्टोरेंट पे। सो ये जो थाली बड़ी फेमस हो रही थी, मैंने सोचा कि मैं इधर ट्राई करती हूँ और शेयर करती हूँ आप लोगों से रिव्यू। तो ये मेन जो है ना हैदरी पे ये शॉप है 52 फूड थाली के नाम। यहाँ पे ना मशहूर हैं दाल चावल, ना दाल चावल की थाली है, और स्पेशली यहाँ पे चिकन बिरयानी भी मिलती है और पुलाव वगैरह भी मिलता है। पुलाव तो मैंने ट्राई नहीं किया था। हाँ मैंने चिकन बिरयानी ट्राई की थी और दाल चावल की थाली ट्राई की थी। तो चलो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें क्या क्या मौजूद होता है थाली के अंदर। हाँ तो थाली के अंदर होते हैं राइस, जो आप इसको रिफ़िल भी करवा सकते हैं, साथ में चिकन कबाब होता है और स्टिक होती है, और ये साथ में पापड़ी होती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है ना इनकी पापड़ी होती है, और ये चटनी है और सैलेड है, और साथ में ना ये बेस्ट चीज़ ये कि ये जो है ना वो देते हैं रायता और साथ में गजरेला टाइप। टेस्ट नहीं किया तो इसलिए मुझे पता नहीं था। और साथ में ये जो दाल है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल थी यार, मुझे बहुत पसंद आई ये दाल। मैं ज़रूर दोबारा भी ट्राई करूँगी इधर जाके। बेस्ट चीज़ ये कि अफोर्डेबल है, आई थिंक 280 रुपीज़ की थी ये पूरी जो है स्पेशल थाली, जिसके अंदर सब चीज़ें फ्रेश और इतनी गर्मा गर्म चीज़ थी। सर्दियों के अंदर ना वैसे दाल चावल भी ना बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे, बिरयानी भी अच्छी थी। मैं सब चीज़ों के रिव्यू दूंगी। तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, इससे आने वाली जो वीडियो होगी ना वो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलो फिर मैं आप लोगों को रिव्यू देती हूँ कि कैसी है, क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही टेस्ट किया है ये। जो नहीं खाऊंगी क्या क्या है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब इसका टेस्ट कैसा है वो भी करके बताऊंगी मैं। इसमें बेस्ट चीज़ ये कि आप रिफिल भी करवा सकते हो। मैं तो बिल्कुल ठीक है, चटनी भी है। अच्छा ये जो दाल चावल है ना, ये इनका एक अपना अलग फ्लेवर है। ये जैसे नॉर्मली दाल चावल अलग अलग जगहों पे मिलते हैं ना, ये वो वाले बिल्कुल भी नहीं है। इसका कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा है, ये पापड़ी के साथ और अचार के साथ बहुत ज़बरदस्त सा ना टेस्ट आता है इसके अंदर। अच्छा इसमें टिक्का बिरयानी के अंदर क्या क्या है? इसमें एक फुल टिक्का है, इसमें भी थोड़ी बहुत पापड़ी है और गजरेला है और चटनी रायता सब, ये भी मैं टेस्ट करके बताऊंगी। तो टिक्का बिरयानी की जो है ना वो बहुत ही यम्मी लग रही है, और टिक्का जो वो थोड़ा फ्राई हुआ हुआ है, तो मैं इसको अवॉइड करके सादी बिरयानी टेस्ट करूँगी, बहुत ही यम्मी लग रही है। शेयरिंग इज केयरिंग बिल्कुल। मेरे बेबी को शेयरिंग नहीं किया आपने। सो बिरयानी भी अच्छी थी, स्पाइसी नहीं थी, थोड़ी सी नॉर्मल थी, लेकिन ये था कि अच्छी थी। इसके साथ जो है ना टिक्का जो है ना वो बड़ा ही फ्राई टाइप का हुआ हुआ था, ज़्यादा डीप फ्राई हुआ था, तो ये मैंने ज़रा इग्नोर किया। वैसे ये खाली जो राइस है ना, ये खाली चटनी और अचार के साथ और रायते के साथ भी बहुत ही मज़े के लग रहे थे। इसमें अगर आप बग़ैर चिकन के भी इसको खाओ ना तो बहुत अच्छे लग रहे थे ये।
ये मुझे पसंद आया कि अगर कोई दाल चावल नहीं खाना चाह रहा तो वो बिरयानी या पुलाव ऑप्शन ले सकता है। तो डेफिनेटली आपको अपनी फैमिली के साथ इधर जाना चाहिए, बहुत ही जो ना अफोर्डेबल प्राइसेस में आप लोगों को अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो मैंने और भी फूड रिव्यूज़ करती रहती हूँ अपने चैनल पर। ये मेरा एक फूड रिव्यू है क्लॉक टावर का, तो अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो आप लोगों को क्या करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।